नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत इमलिया चौकी से 5 किलोमीटर की दूरी पर छोटी लमती एवं डबा गांव में मंगलवार की शाम बिजली तड़कने के बाद आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखन यादव उम्र 35 वर्ष, सावित्री बाई उम्र 32 वर्ष, नरेंद्र पिता लखन यादव उम्र 7 वर्ष, तीनों निवासी छोटी लंबी चौकी इमलिया थाना तेजगढ़ की मौत हो गई एवं छोटू यादव पिता लखन यादव उम्र 12 वर्ष इलाजरत है। वहीं छोटी लमती गाँव निवासी जालम आदिवासी उम्र 30 वर्ष, प्रेम बाई आदिवासी उम्र 50 वर्ष दोनों की मौत हो गई। घटना चौकी इमलिया थाना तेजगढ़ के डबा व छोटी लमती की बताई जा रही है। थाना प्रभारी विकास सह चौहान ने बताया दोनों यादव परिवार घटना के समय खेत में बने घास के ढबुए में थे व दूसरे आदिवासी खेत पर थे, जिसमें 25 लोग के रहते गाज गिरने से 2 की मौत हो गई है। दमोह से मनोहर शर्मा के साथ हर रही तेजगढ़ से धन कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ओके सर, आज एक बिजली गिरने से कुछ लोगों की मौत हुई है, क्या कैसा पूरा घटनाक्रम है? आज करीब शाम 6:30 बजे चौकी प्रभारी का फोन आया था कि चौकी क्षेत्र में छोटी लमती गांव में और एक दवा गांव में दवा में बिजली गिरी, जिसमें कुछ लोग खत्म हो गए हैं। तो उसकी सूचना तस्दीक पे गए तो छोटी लमती में एक यादव परिवार हैं, अपने ढगुआ में थे, ढगुआ उनका हार में आता है, वहाँ पे काम करने वाले उसके ढगुआ में परिवार के साथ थे। उनका नाम है लखन यादव, उनकी पत्नी का नाम है सावित्री यादव और उनके लड़के का नाम है नरेंद्र यादव। ये बिजली गिरने से ख़त्म हो गए। वहीं पर उनका एक लड़का था छोटू यादव, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। और फिर उसके जस्ट 10 मिनट बाद सूचना मिलती है कि दवा गाँव में भी बिजली गिरी थी, तो वहाँ पर 2 आदिवासी समाज के आदमी ख़त्म हो गए थे, हो गए हैं, जो अभी रास्ते में उनकी बॉडी आई आ रही है। उनका नाम है जालमिया गौड़ और एक है प्रेम गौड़, प्रेम भाई गौड़, एक महिला है, एक पुरुष है। कुल कितने लोग खत्म हुए हैं? कुल चौकी क्षेत्र, अपने चौकी क्षेत्र अंतर्गत 5 लोग खत्म हो गए हैं। एक लड़का है 12 साल का, गंभीर रूप से घायल है।